बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले हम जनरल स्ट्रक्चर जो सेल्स का होता है, यानी प्लांट और एनिमल सेल्स का, हम पढ़ चुके हैं, उनको कंपेयर भी किया था हमने। इसके अलावा उससे पिछले लेक्चर के अंदर प्रोक्रियार्ड और यूक्रियार्ड की बात की कि प्रोक्रियार्ड और यूक्रियार्ड के सेल्स में क्या फ़र्क होता है। ऐसे सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो स्ट्रक्चर है जो प्रोक्रियार्ड में भी पाया जाता है और यूक्रियार्ड में भी पाया जाता है। इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ प्रोक्रियाटिक सेल्स, यानी बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होते हैं प्रोक्रियार्ड्स लाइक बैक्टीरिया, सही, एंड यूक्रियार्ड्स आल्सो, सही, के यूक्रियार्ड्स लाइक जितने भी बाकी किंगडम्स हैं, लाइक फंजाई है, एनिमल्स, प्लांट्स एंड प्रोटिस्टा, सो दे आर प्रेजेंट इन अदर यूक्रियार्ड्स, सही। और दूसरा जो एक और बात हमने पढ़ी थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जोन सी है वो आउटरमोस्ट कवरिंग है, आउटरमोस्ट कवरिंग इन एनिमल सेल्स, जबकि प्लांट के अंदर ये सेकेंड मोस्ट, यानी प्लांट के अंदर जो सी है इट इज सेकेंड आउटर मोस्ट। फर्स्ट कौन सी थी भला, याद कीजिए, व्हाट वाज द फर्स्ट? प्लांट में क्या होता है? फर्स्ट वन इज सेल वॉल, ठीक है, यानी प्लांट के सेल के बाहर सेल वॉल मौजूद होती थी जो कि उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग करती थी। सो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो बात है जो हमें पहले से मालूम होनी चाहिए कि यानी ये प्रोक्रियार्ट्स में भी पाया जाता है और यूक्रियार्ट्स में भी पाई जाती है। और दूसरा ये आउटर मोस्ट कवरिंग है एनिमल सेल्स की, और जबकि प्लांट्स के अंदर ये सेकेंड आउटर मोस्ट है क्योंकि इससे पहले उसके अंदर सेल वॉल मौजूद होती है, सही। अब हम इसके दो पार्ट्स पढ़ेंगे, यानी वी विल स्टडी इट्स टू पार्ट्स, यानी हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और इसका फंक्शन पढ़ेंगे, सही। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं, तो क्या हो सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर? तो इसमें वही है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होंगे, जाहिर बात है। हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये पढ़ा था कि लाइक एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलके ऑर्गेनाइज बनाते हैं, लाइक अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर मुख्तलिफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे, कौन कौन से हो सकते हैं? जोर डालें ज़रा जहन में, लाइक इसके अंदर प्रोटीन्स होंगे प्लस और लिपिड्स हो सकते हैं, सही। इसके अलावा स्मॉल पोर्शन ऑफ शुगर हो सकती है, ठीक। अब प्रोटीन्स इसमें ऑलमोस्ट 60-80% होती हैं, 60-80% इसमें क्या हो जाएंगी प्रोटीन्स, और फिर बकाया जो है ऑलमोस्ट 20-40% जो सा है वो लिपिड्स हो जाएंगे। शुगर जो है वो ट्रेस में आएगी, लाइक दे आर ट्रेस में होंगी, या फिर से हम कहते हैं कंजुगेटेड होंगी, कंजुगेटेड, कंजुगेटेड से मुराद के मसलन एक लिपिड का बड़ा सारा मॉलिक्यूल है, उसके साथ एक छोटी सी शुगर अटैच है, सो इट इज़ अ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, सो शुगर अब इस लिपिड का पोर्शन है, सही। इस तरह बाज़ दफ़ा ग्लाइकोल प्रोटीन्स होते हैं जिसके अंदर शुगर से प्रोटीन से जुड़े होते हैं, इस तरह ग्लाइकोलिपिड्स ना, लाइक अगर ये अगर शुगर है सो ये क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगा, ग्लाइकोलिपिड्स, सो इट इज़ अ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, सही। तो ये बायोलॉजिकल टर्म्स में आते रहते हैं। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर में, पॉसिबिलिटी क्या है, यानी प्रोटीन्स किस तरह अरेंज हो सकती हैं। तो इसके पास हमारे पास दो मॉडल थे, ठीक है, लाइक इसके अगर हम मॉडल स्टडी करें, मॉडल्स, तो इसमें एक तो था हमारे पास यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है, ओरिजिनल डेविस एंड डैनियल मॉडल भी कहते हैं इसे, या फिर इसे क्या कहते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इस मॉडल में क्या कहा गया था कि जो लिपिड्स है ना यार, लाइक दिस आर लिपिड्स, सही, यानी ये जो आपको गोलदायरे में नज़र आ रहे हैं दिस आर लिपिड्स, और ये लिपिड्स की अब दोनों मिलके क्या बना लेंगे, ये भी लिपिड्स हैं,
सो ऊपर भी लिपिड है नीचे भी लिपिड्स हैं, तो इनकी क्या होंगी, बाई लेयर होगी, लिपिड्स की बाई लेयर हो जाएगी, यानी दोनों तरफ से लेयर है। और दूसरा इसी तरह प्रोटीन्स, ऊपर भी प्रोटीन्स है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स, या इसको हम दूसरा कलर दे देते हैं लाइक ग्लोबुलर प्रोटीन्स, एंड देन दिस इज आल्सो ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है, ये अंदर भी इधर क्या है ग्लोबुलर प्रोटीन्स, एंड दिस आर आल्सो ग्लोबुलर प्रोटीन्स। सही, तो उन्होंने कहा जी कि यानी इस लिपिड्स के ऊपर और नीचे दोनों तरफ प्रोटीन्स होंगे, लाइक ये भी प्रोटीन्स और यहाँ पे भी प्रोटीन्स हैं। सो जो लिपिड्स की बाई लेयर है ये सैंडविच हो गई है, सही, सो इट इज़ काइंड ऑफ अ सैंडविच, नहीं जिस तरह सैंडविच नहीं होती कि आप सेंटर में बटर या क्रीम वगैरह रखते हैं, तो सिमिलरली यहाँ पे जो बाई लेयर है लिपिड्स की वो प्रोटीन्स के दरमियान सैंडविच हो गई, सो इसे हम सैंडविच मॉडल भी कहते हैं, समटाइम्स इट इज नाउन एज सैंडविच मॉडल, ठीक। लेकिन ये थोड़ा ओल्ड कंसेप्ट था, ठीक, और यानी ये सही नहीं है, बल्कि आप ये कह लेंगे अब ये रूल्ड आउट हो गया, अब इस पर मज़ीद रिसर्च या इसके पर मज़ीद काम नहीं होता, इसे सही समझा नहीं जाता, सही, इसकी जगह भी बल्कि हमारे पास जो मॉडर्न मॉडल है उसे हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, यानी एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल हो गया, सेकंड वन इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जिसकी आपको डायग्राम भी नज़र आ रही है। सो इस मॉडल के मुताबिक क्या है कि जो यानी ये जो कवरिंग है सेल की, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स बाई लेयर, एक चीज़ तो कॉमन थी दोनों में कि दोनों के पास यहाँ पे भी ऊपर भी आपको लिपिड्स नज़र आ रहे हैं जो गोल गोल से हैं, यहाँ पे भी लिपिड्स हैं, लिपिड्स की बाई लेयर है, सही। बट दिस टाइम अब यहाँ पे उन्होंने सैंडविच नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने कहा जी कि जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स विल बी एम्बेडेड इन द, ठीक, यानी लिपिड्स हैं, लिपिड्स के अंदर प्रोटीन्स होंगे, लाइक दिस आर प्रोटीन्स, अगर हम इस तरह से लिखें, सो प्रोटीन्स दिस टाइम्स आर नॉट सैंडविच, ठीक है, अब इसमें प्रोटीन सैंडविच नहीं है बल्कि उनका हिस्सा ही है, लिपिड्स की बाई लेयर चल रही है, यानी आगे भी लिपिड्स जा रहे हैं, सो लिपिड्स की बाई लेयर मौजूद है लेकिन प्रोटीन्स उनके अंदर एम्बेडेड हो गई हैं, सो इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। अच्छा, इसे मोज़ेक कहने का क्या मतलब है कि बेसिकली दीज आर फ्लोटिंग, ठीक है, दे आर मूविंग, ये जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स मूव करती रहती हैं, सही, दे आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, सो, और इसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अपनी जो शेप है ये चेंज करता रहता है, सही, इट चेंजेस इट्स शेप, इसलिए मोज़ेक टाइप, यानी जिस तरह कुछ चीज़ फ्लोट कर रही हो पानी में, तो इसलिए इसे मोज़ेक मॉडल कहा जाता है, सही। यूनिट मेम्ब्रेन जो सा था ये फिक्स मॉडल था, यानी इसके अंदर प्रोटीन्स ने एक खास शेप ले रहे, उसके बाद चेंज होना, लेकिन इसमें यह कि काफ़ी चेंजेस आई हैं कि लाइक इसके अंदर इलास्टिसिटी बढ़ गई है, ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल है, सही। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को हम ज़्यादा डिटेल से देखते हैं, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, तो ये भी आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल नज़र आ रहा है कि दोनों तरफ लिपिड्स हैं, लाइक दीज आर लिपिड्स, सही, फिर बीच में प्रोटीन्स हैं, लाइक दीज आर प्रोटीन्स, ठीक, यानी ये लिपिड्स थे सारे, उसके बाद ये जो से हैं वो प्रोटीन्स, और कुछ इसमें कह लें कि ग्लाइकोलिपिड्स होंगे, ये ढूंढने पड़ेंगे, ढूंढे ज़रा किधर है, सही, नहीं नज़र आ रहे, सो हेयर इट इज़, यानी ये मैं डिफरेंट कलर दे देता हूँ, सो ये ग्लाइकोफास्फेटोल इनसाइटोसोल, सही, तो यानी ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, यानी ये ग्लूकोज यानी कह लें कि कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स आपस में जुड़ते हैं, सही। इसके अलावा इसके अंदर आपको कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा, देयर इज कोलेस्ट्रॉल, सही, और ये इसमें कार्बोहाइड्रेट होंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, ये आपको नज़र आ रहे हैं चेन की शक्ल के अंदर, सही, सो दीज आर कार्बोहाइड्रेट, सो ये किस किस से मिला है, लिपिड से और प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट्स के कंजुगेटेड कंजुगेशन की वजह से, ठीक, यानी इसके अंदर कितने परसेंट थी प्रोटीन्स, ऑलमोस्ट 60-80%,
प्रोटीन, और जबकि इसके कितने परसेंट लिपिड्स थे, दैट वाज 20 to 40% लिपिड्स। और कार्बोहाइड्रेट्स इसके साथ कंजुगेटेड होगी, यानी उनका इट्सेल्फ कहीं पे यानी रोल नहीं होगा, लेकिन कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स के अंदर ये हम इसे स्टडी करेंगे। ओके, स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हम आते हैं इसके कुछ फंक्शन के बारे में पढ़ने के लिए, सही। लेकिन फंक्शन को पढ़ने से पहले हम थोड़े से फैक्ट्स और जानते हैं कि क्या क्या फैक्ट्स हो सकते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक फैक्ट्स अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या क्या फैक्ट्स हो सकते हैं, कुछ आपके भी जहन में होगा बताएं। मसलन सबसे पहले तो ये कि इट इज़ वाटर इनसॉल्युबल, यानी ये पानी में रह के यानी एक्वस इन्वायरमेंट के अंदर रह कर भी उसमें हल नहीं होता, सही। सो इसी प्रॉपर्टी की वजह से, इसी वाटर इनसॉल्युबिलिटी की वजह से इसके तो सेकेंड पार्ट आता है कि इट इज़ सेलेक्टिव परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल। अब सेलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब है? सेलेक्टिवली परमिएबल बिल्कुल डोर कीपर की तरह होता है, यानी वो डोर कीपर जो आपने दरवाजे में बिठाया हुआ है, सही, वो सिर्फ उन लोगों को अंदर आने देगा जिसके बारे में उसको शनाख्त होगी, यानी जिस जो यहाँ बिलोंग करेगा, सही, यानी जिसकी ज़रूरत नहीं होगी उसके आने को, उसके आने से रोक दिया जाएगा। सो इट्स जस्ट लाइक अ डोर कीपर, यानी सेलेक्टिवली हम क्या कह सकते हैं, डोर कीपर, सही। इट विल अलाउज द सब्सटेंसेस, या इट विल अलाउज द ओनली सब्सटेंसेस विच आर अलाउड टू इन, सही, यानी उन्हीं चीज़ों को अंदर आने की इजाज़त देगा जिनके पास कह रहे हैं कि आईडी कार्ड होगा या ख़ास आइडेंटिटी होगी जिसके बेस पे उसे अंदर आने दिया जाएगा। सो अदरवाइज जो बकाया मटेरियल है उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो प्लाज्मा ब्रेन होती है, कंटेन चैनल्स, इनके अंदर सुराख होते हैं, चैनल्स या कह लगे जी पोर्स होते हैं। सो पोर्स रूट ऑफ एंट्री होती है, बेसिकली दिस पोर्स आर रूट ऑफ एंट्री, यानी किसी चीज़ ने आप जाहिर बात है ट्रांसपोर्ट हो गई, सही, यानी कह लेंगे बहुत चीज़ें इन एंड आउट आएंगी सेल्स के, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सी वो बाउंड्री है ना सेल की। अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ लाइक ये न्यूक्लियस है, बाहर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो मसलन फूड ने अंदर आना है, सो फूड हैड टू कम इन, एंड जो वेस्ट मटेरियल है डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ, दे हैव टू गो आउट, सही। सो इस तरह इनकी ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। इसी तरह वाटर हमें चाहिए, वाटर भी आएगा, वाटर क्या अब तक बाहर भी जाए, अगर वाटर सेल के अंदर ज़्यादा बाहर चला जाएगा। ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन अंदर आएगा, ठीक है। अमाइनो एसिड्स आएंगे, सही, ग्लूकोज आएगा, सी दे ऑल हैव टू इंटर द सेल्स, कैल्शियम आ सकता है, सोडियम आ सकता है, सही, इन सब की ज़रूरत होती है सेल्स को, तो ये अंदर आएंगे। सो इसमें क्या होंगे, कुछ चैनल्स होंगे, स्पेशल पोर्स जिनके ज़रिए वो एंट्री होंगे। मसलन इसमें दो किस्म के पोर्स हम कर लेते हैं, मसलन एक तो न्यूट्रल पोर्स हैं, न्यूट्रल पोर्स जो सॉल्युबल सब्सटेंसेस को एंटर होने देंगे, यानी विच अलाउज द सॉल्युबल सब्सटेंसेस विच अलाउज इन न्यूट्रल पोर्स अलाउ सॉल्युबल कंपाउंड्स हो जाएंगे। मसलन जिस तरह चीनी पानी में मिक्स होती है सब्सटेंसेस, वो भी सॉल्युबल सब्सटेंस की किस्म है, सही, टू कम इन लाइक सॉल्युबल सब्सटेंसेस में क्या से हो सकती है, मसलन ग्लूकोज है, ठीक है, या इस तरह अमाइनो एसिड्स भी, बाज़ अमाइनो एसिड्स भी जो उनसे सॉल्युबल सब्सटेंसेस में आ जाते हैं, ठीक। लेकिन कुछ जो इनमें से जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे ना, ठीक है, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मसलन कैल्शियम होगा या सोडियम होगा, दे आर नॉट अलाउड, कैल्शियम सोडियम आर नॉट अलाउड, ठीक है, ये अंदर नहीं आ सकेंगे, क्यों, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज हैं, दे आर नॉट न्यूट्रल, यानी वो ऑलरेडी चार्ज बियर कर रहे हैं, सो उनको अंदर आने से रोक दिया जाएगा, ठीक। एक दूसरे किस्म के चैनल्स होते हैं, लाइक देयर इज सेकंड काइंड ऑफ अ चैनल, जो आयनिक चैनल्स होते हैं, आयनिक चैनल्स या आयनिक पोर्स भी कह सकते, चले हमने जिस तरह ऊपर पोर्स लिखे थे यहाँ पे भी पोर्स। सो आयनिक पोर्स दे आर ट्रेंड या दे हैव ड्यूटी, उनके पास ये ड्यूटी होती है कि उन्होंने सिर्फ आयंस को अंदर एंटर होने देना है, लाइक कैल्शियम जैसे एंटर होगा, सही,
सोडियम मीटर हो सकता है, पोटाशियम मीटर हो सकता है, हाइड्रोजन आयंस आ सकते हैं। सो जो भी आयनिक कंपाउंड्स है वो आयनिक फोर्स से ही इंटर होगा। मतलब क्लोराइड आयंस भी होते हैं बॉडी में, सही। सो ये आयंस जो से आयनिक फोर्स से इंटर होंगे, सही। अगर हम पोर्स देखें मेम्ब्रेन में, आपको किधर नज़र आएंगे? सो यहाँ पे वैसे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी डायग्राम है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें ये जो प्रोटीन्स की अरेंजमेंट है ये इस किस्म की है कि इसके अंदर रास्ता है जाने के लिए। सो मटेरियल्स कैन बी मूव इन, मटेरियल मूव इन हो सकते हैं। सिमिलरली मटेरियल्स कैन बी मूव आउट, सही। मतलब इसे हम क्या कह देते हैं जी, न्यूट्रल पोर है, ठीक है, दीज आर न्यूट्रल पोर। और ये आयनिक पोर्स में डाल देते हैं हम, ये आयनिक पोर्स हैं। सो दे विल ट्रांसपोर्ट आयंस एंड न्यूट्रल पोर्स विल ट्रांसपोर्ट सॉल्युबल सब्सटेंसेस एंड वाटर, एटसी, जो भी वाटर में हल होंगे, लेकिन उन पर शर्त यह है कि आयंस ना हो, सही। सो अब हम कहें कि इन पोर्स के अलावा क्यों नहीं जा सकती चीज़ें, लाइक यहाँ से नहीं जा सकती, यहाँ से नहीं जा सकती, वाई वाई दे डोंट गो फ्रॉम दिस प्लेसिस, बिकॉज देर आर मालिक्यूल्स, उन्होंने ऑलरेडी जगह ली हुई है, वो तो ज़ाहिर बात है गुजरने की जगह होगी तो जाया जा सकेगा ना। तो ये क्या है, एक किस्म की कह लेंगे एक सेलेक्टिवली परमिएबल, इसका कह लेंगे बिहेवियर आ गया, सही। सो इट इज़ अ सेलेक्टिव परमिएबल बिहेवियर। सो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सेलेक्टिव परमिएबल, सही। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि क्या फंक्शन है सबसे ज़्यादा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म करते हैं, तो कहेंगे परमेबिलिटी है, यानी इट अलाउज द ओनली सब्सटेंसेस टू पास इन विच आर अलाउड टू पास, यानी जिनके पास जिनको इजाज़त होगी वो ही सिर्फ जा सकेंगे, बकाया इसमें से नहीं जा सकेंगे। एंड इट अनब्लॉक्स द अनवांटेड सब्सटेंसेस, सॉरी इट ब्लॉक्स द अनवांटेड सब्सटेंसेस, यानी उन चीज़ों को ब्लॉक कर देगा जो ज़रूरत नहीं होंगे, सही। और इसके अंदर पोर्स होंगे और बकाया इसका स्ट्रक्चर हम लोग स्टडी कर लेंगे, लाइक इसमें लिपिड्स होंगे, प्रोटीन्स होंगी। अब मसलन ये चैनल आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, लाइक दिस इज द चैनल विच इज़ हैव टू ट्रांसपोर्ट, ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा, सही। और ये जो सा है इस फॉर एग्जांपल आउटसाइड ऑफ द सेल है, ठीक है, नहीं पूरा सेल इस तरह आगे पूरा बनेगा, और ये जो सा हम इनसाइड कर देते हैं, सो इट इज इनसाइड ऑफ सेल, ठीक है। कोई साइड आउटसाइड से चीज़ इनसाइड आएगी और इनसाइड से कुछ चीज़ बाहर जाएगी। सो इट इज़ मेनली इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट, सेलेक्टिवली परमेबिलिटी है जो कि किस में हेल्प कर रही है, सेलेक्टिवली परमिएबल ट्रांसपोर्ट, यानी फिल्टर करती है हर चीज़ को, जो भी इसमें से पास करेगी हर एक का वो, यानी आइडेंटिटी करेगी कि आया वो अंदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, फिल्टर एक किस्म का कह लें। सो फिल्टरिंग बिहेवियर है इसका, सेलेक्टिवली परमिएबल को दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, फिल्टरिंग बिहेवियर। सो इसके अलावा कुछ और फीचर्स भी होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, फॉर एग्जांपल जिसे हम इंडोसाइटोसिस कहते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि लाइक इट इज़ अ सेल मेम्ब्रेन, फूड हैव टू कम इन, सही। और फिर ये सेल मेम्ब्रेन के बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ये दिस इज प्लाज्मा, फूड ने इंटर होना है। सो जो सेल मेम्ब्रेन है इट विल इन्वेजिनेट एंड इनक्लोज द फूड, यानी ये सेल मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ होगी और इसके अंदर फूड मटेरियल इनक्लोज हो जाएगा, ये आप सारा न्यूक्लियस बीच में अगर आप देखें, दिस इज होल सेल, होल सेल, सही। सेल नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि फूड मटेरियल साइटोप्लाज्म का हिस्सा बन जाएगा, ठीक, कि अब फूड जो है वो साइटोप्लाज्म का हिस्सा बन गया। सो इट इज कॉल्ड इंडोसाइटोसिस, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इंडोसाइटोसिस। सो ये किस तरह हुई, बाय इन्वेजिनेशन ऑफ मेम्ब्रेन, इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिमिलरली एक टर्म यूज होती है पिनोसाइटोसिस की। सो उसमें फूड जो है ना, यहाँ पे ये सॉलिड था, फूड वाज सॉलिड मटेरियल। अगर कोई लिक्विड मटेरियल है, लाइक कोई सॉल्युबल कंपाउंड है, ठीक है, इफ़ देर इज़ अ सॉल्युबल कंपाउंड, लाइक मैं सब बना देता हूँ ये ग्रेवी, इज़ अ सॉल्युबल कंपाउंड, सॉल्युबल कंपाउंड जो आप पानी में हल हुआ है। सो जब ये सेल मेम्ब्रेन के पास आएगा सेम बिहेवियर होगा कि इन्वेजिनेशन होगी,
फिर उसके बाद सर्वल कंपाउंड जो है वो अंदर चला जाएगा लाइक दिस, और वो यानी सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा, सॉरी साइटोप्लाज्म का हिस्सा बन जाएगा. इट वाज न्यूक्लियस, सिमिलरली इट इज न्यूक्लियस. सही, इसको हम क्या कहेंगे भला, पिनोसाइटोसिस. अब कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ चीज़ें हासिल नहीं करते, बाहर भी भेजते हैं, लाइक सिक्रीशंस करते हैं, लाइक एपिथेलियल सेल्स. उसकी बेस्ट एग्जांपल है एपिथेलियल सेल्स, आपने में भी पढ़ा हो 9th-10th में, टिश्यूज़ की किस्म है. सो उसे हम कहेंगे एक्सोसाइटोसिस. एक्सोसाइटोसिस किस तरह होती है, लाइक हम कहेंगे जी एक इंजाइम है, ठीक है, इंजाइम इज़ मेड विद इन द सेल और ये सारा सेल है जिसके अंदर यहाँ पे ये न्यूक्लियस पड़ा हुआ है. सो एंजाइम बना है, इट हैज़ टू बी मूव आउट. अब इसे हमने बाहर लेके जाना है. सही, तो क्या होगा कि एंजाइम सरफेस के पास आएगा, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके साथ फ्यूज़ होती है. सही नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल फ्यूज़ अप विद द एंजाइम, ये सेंटर में न्यूक्लियस. सो एंजाइम फ्यूज़ अप होगा. नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जो एंजाइम है इट विल बी रिलीज आउट और ये मेम्ब्रेन दोबारा स्ट्रेट हो जाएगी. सही, और न्यूक्लियस इस तरह सेंटर में. सो एंजाइम बाहर आ जाएगा और ये उसी तरह यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रेट अप हो जाएगी. सही, सो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सोसाइटोसिस. इट इज़ आल्सो काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब इस ट्रांसपोर्ट के अंदर हमें कोई चैनल की जरूरत नहीं पड़ी, कोई आयन पोर्स, कोई न्यूट्रल पोर रिक्वायर्ड नहीं है. क्यों? क्योंकि मटीरियल इतना ज़्यादा होता है ना, ये बल्क फ्लो में आते हैं. तीनों कैटेगरी किस में आती हैं, बल्क फ्लो. All these three categories comes into the bulk flow. मैं इसका व्यू थोड़ा छोटा कर लूँ, zoom out कर लेते हैं like this. So these all three categories come into bulk flow. सही, लेकिन जो ऊपर हमने पढ़े जिसके अंदर आयन चैनल्स आ रहे थे, ये मोस्टली जो उनसे हैं डिफ्यूजन के ज़रिए जाते हैं. अब आपको डिफ्यूजन का तो पता होना चाहिए. डिफ्यूजन किसे कहते हैं, कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. सही, तो डिफ्यूजन मेनली इन्वॉल्व होता है, जबकि इसके अंदर बल्क फ्लो होता है. ठीक है, अब जो डिफ्यूजन होता है ना, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट में आता है. सही, यानी अब हम कहेंगे जी ट्रांसपोर्ट की फर्दर दो टाइप्स कर लेते हैं. मैं चलो यहाँ पर बना देता हूँ, लाइक ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं. ट्रांसपोर्ट किस तरह हो सकती है सेल मेम्ब्रेन के, दो ही प्रोसेस है इसके अंदर. एक तो डिफ्यूजन है, ठीक है, और दूसरा बल्क फ्लो है, जिसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं. दूसरा क्या कहेंगे हम, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सही, सो डिफ्यूजन की डेफिनेशन तो आपको पता होगी. डिफ्यूजन कहते हैं जी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. नहीं, हायर कंसंट्रेशन से कोई भी चीज़ जो है वो लोअर की तरफ मूव करती है, यानी इट मूव्स टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन. सो दैट इज डिफ्यूजन, बट नो ATP यूज. इसके अंदर कोई भी ATPs यूज नहीं होंगे, यानी ATPs क्या होते हैं, एनर्जी के पैकेट्स होते हैं. सो इसमें कोई ATPs यूज़ नहीं होंगे, नो ATP यूज़. जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि सेल को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है. सही, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के केस के अंदर यानी मूवमेंट जो से थोड़ी अपोजिट हो जाती है, लाइक लोअर कंसंट्रेशन से मटेरियल को जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है हायर कंसंट्रेशन की तरफ. मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड टूवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन. तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि किसी चीज़ को ऊपर ले जाने में मेहनत करनी पड़ती है, सिमिलरली इस तरह यहाँ पे भी ATPs यूज़ होंगे, यानी यूज ऑफ ATPs. यहाँ पे एनर्जी के पैकेट्स यूज़ होंगे जो कि इनको यानी जो रिएक्शन होगा, जो भी प्रोसेस होगा उसको फिजिबल कर सकेंगे, उसके लिए ATPs रिक्वायर्ड होंगे. ठीक है, थर्ड वन जो है, ठीक, जो थर्ड वन कैटेगरी में आएगा उसे हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. फैसिलिटेटेड
डिफियन, ठीक। इसकी बहुत बेस्ट एग्जांपल, मसलन सिंपल डिफियन को आप कह सकते हैं कि जी यू आर वॉकिंग, लाइक आप कोई चीज़ यूज़ नहीं करे, जस्ट सिंपली वॉकिंग है, सो इट इज़ अ डिफियन। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट को आप कहो किसी, आप मसलन बाइक को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वॉकिंग भी हो सकता है या सिर्फ बाईसाइकिलिंग भी कह सकते हैं, गुड, बाईसाइकिलिंग भी एक एग्जाम्पल हो सकती है। जबकि इसके अंदर आप कोई बाइक यूज़ कर रहे हो या मोटर कार है, और मोटर कार जारी बात है क्या चाहिए होगा इसे, फ्यूल चाहिए होगा, सही। फैसिलिटी डिफियन क्या होता है कि आप किसी की फैसिलिटी यूज़ करते हो, मसलन आप स्कूल बस में जाते हो, दिस टाइम यू आर नॉट गोइंग योर ओन बाइक, यानी आप अपने बाइक मोटरसाइकिल, यानी फ्यूल का एक्सपेंडिचर आपके पास नहीं होता, यानी आपका कोई ATPs यूज़ नहीं होता, लेकिन कोई ना कोई स्कूल बस या इस तरह की कुछ चीज़ होती है जो आपको लेके जाएगी, सही, यानी दिस टाइम यू आर फैसिलिटेटेड बाय अदर ट्रांसपोर्ट। तो इसी तरह जब मेम्ब्रेन के अक्रॉस जब ट्रांसपोर्ट होती है, बाज़ दफ़ा प्रोटीन्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, सही, यानी मसलन एक मटेरियल है, मटेरियल को जो सा है वो प्रोटीन्स घेर लेंगे, यानी यहाँ पे भी प्रोटीन्स हो जाएंगे, प्रोटीन्स 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 प्रोटीन्स, ठीक। और ये मटेरियल जो सा आप प्रोटीन से घिर गया, और उसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से क्रॉस कर सकेगा, दे सिंपली क्रॉस फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। तो इस किस्म की डिफियन को आप क्या कहे हुए, फैसिलिटी डिफियन, इस किस्म की डिफियन को क्या कहोगे, फैसिलिटी डिफियन। इसकी एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल देता हूँ फैसिलिटी डिफियन के, मसलन आप सांस लेते हैं, ठीक है, यू टेक ब्रेथ, और मेरी सांस आगे लंग्स में जाता है, ये मैं बंदे की शक्ल बना रहा हूँ, सही, ये लंग्स में जाएगा, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में शामिल होती है, ब्लड में जो उसे लेता है यानी ऑक्सीजन को जो रिसीव करेगा वो हीमोग्लोबिन होता है, ये अब रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद होती है प्रोटीन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को उठा के किधर लेके जाएगी, बॉडी में, यानी बॉडी के हर पार्ट में लेके जाएगी। सो दिस टाइम ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, हीमोग्लोबिन। तो इससे आप फैसिलिटी डिफियन की एक एग्जाम्पल कह सकते हो, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है इसके लिए, ठीक है, वो उसे अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन पहुँचा के, यानी डिफियन के जरिए, डिफियन ही होता है एक किस्म का ये, यानी हायर कंसंट्रेशन से चीज़ लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है, लेकिन बीच में मीडियम जो है वो प्रोटीन्स का है, यानी कोई ना कोई प्रोटीन्स हम बीच में यूज़ करें, सो ये हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफियन हो जाएगी। सो ये था हमारा सारा सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन और इसमें किस तरह ट्रांसपोर्ट वगैरह हो रही है। तो इसे थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, हमने शुरू में सेल मेम्ब्रेन पढ़ा कि थोड़े से पुराने कंसेप्ट थे, लाइक प्रोक्रियाट और रिक्रियाट दोनों में पाए जाते हैं, दूसरी आउटर मोस्ट कवरिंग होगी एनिमल सेल्स में, प्लांट्स के अंदर ये सेकंड मोस्ट आउटर होगी क्योंकि उसमें सेल वॉल फर्स्ट होती है, ठीक है, नहीं वो सबसे बाहर की कवरिंग सेल वॉल होती है। फिर हमने कहा इसके दो पार्ट पढ़ेंगे हम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। स्ट्रक्चर पे आए, स्ट्रक्चर में हमने कहा 60-80% लिपिड्स होंगे, सॉरी 60-80% प्रोटीन्स होंगी, 20-40% लिपिड्स, शुगर स्ट्रेस में या कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स के तौर पर मौजूद होगी, ठीक है, और कंजुगेटेड की बात की हमने कि ये चीज़ जुड़ी होती है, लाइक दो मॉलिक्यूल्स आपस में गठे हुए होते हैं। फिर हमने मॉडल्स पे बात की, दो किस्म के मॉडल्स हैं, एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है जो कि पुराना है, जबकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि मॉडर्न है। तो पुराने मॉडल क्या था कि उसने कहा जी कि जो लिपिड्स की बाई लेयर है ये सैंडविच है प्रोटीन्स के दरमियान, ठीक, जबकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर क्या कहा गया, प्रोटीन्स जो होती हैं दे आर जस्ट फ्लोटिंग इन द लिपिड्स बाई लेयर, यानी वो एक किस्म की तैर रही हैं उस लिपिड्स बाई लेयर में, ठीक है, वो दोनों आपको शक्लें नज़र आ रही होंगी, सही। फिर है दोनों में प्रोटीन्स और लिपिड्स ही। नेक्स्ट आए, थोड़ा सा हमने एडवांस किस्म का मॉडल पढ़ा जिसके अंदर हमें ग्लाइकोलिपिड्स नज़र आ रहे हैं, सही, यानी जहाँ पे यानी ये आपको कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि लिपिड्स के साथ जुड़े हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, सर ग्लाइको प्रोटीन्स हैं कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स में, और ये लिपिड्स बाई लेयर है और प्रोटीन्स के चैनल्स बने हुए हैं, सही, कुछ इसमें कोलेस्ट्रोल और स्टीरोल्स भी नज़र आएंगे आपको, सही। आगे फैक्ट्स अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़े हमने, लाइक दीज आर वाटर इनसॉल्युबल, क्योंकि इनमें ज़्यादातर जो पोर्शन होता है वो लिपिड्स का बना होता है, और आपको पता है जिस तरह घी या चर्बी पानी में नहीं हल होती, इस तरह ये भी हल नहीं होंगी। दूसरा, ये सेलेक्टिवली परमिएबल है जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, सेलेक्टिवली परमिएबल, जिस तरह डोर कीपर नहीं होता कि वो सिर्फ अलाउड सब्सटेंसेस को अंदर आने देगा, बकाया को रोक देगा,
सही। इसके अलावा इसके अंदर चैनल्स होते हैं एंट्री के लिए, रूट ऑफ एंट्री के लिए, मतलब न्यूट्रल पोर्स हैं जो सॉलेबल सब्सटेंसेस एंटर आ सकते हैं लाइक वाटर है या माइनर एसिड्स वगैरह। दूसरे आयनिक पोर्स हैं जिसके जरिए आयंस आ सकेंगे, ये भी होते हैं, और मोस्टली ये डिफिन के जरिए ही आते हैं, मोस्टली इसमें डिफिन इन्वॉल्व होता है। ठीक, लेकिन कुछ बल्क फ्लो भी होता है, लाइक मटीरियल ज़्यादा तादाद में आना चाहता हो तो उसके लिए एंडोसाइटोसिस होती है, या लिक्विड यानी डिजॉल्व पोर्शन में है तो पिनोसाइटोसिस होगी, और अगर कोई मटेरियल बाहर जाना हो उसने, ठीक है, उसके लिए एक्सोसाइटोसिस की टर्म यूज़ की जाती है। और इन तीनों की डायग्राम्स हमने स्टडी की। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, उसमें हमने डिफ्यूजन को पढ़ा जो कि विदाउट यूज़ ऑफ एटीपी थी, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ लिक्विड मूव करता था। फिर हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा जिसके अंदर एटीपीज यूज़ हुई थी, क्योंकि हम लोअर कंसंट्रेशन से चीज़ को उठाकर हायर कंसंट्रेशन पे लेके गए, इसमें एटीपीज यूज़ हुई। और तीसरा फैसिलिटी डिफ्यूजन था, ये एडवांस किस्म की चीज़ है कि इसके अंदर प्रोटीन्स यूज़ होती हैं एज अ कैरियर मालिक्यूल, सो प्रोटीन्स यूज एज अ कैरियर मालिक्यूल्स। जिस तरह एग्जाम्पल में हमने कहा जी कि एग्जाम्पल क्या दी थी कि मसलन डिफ्यूजन को आप बाईसाइकिलिंग कह सकते हो कि इसमें कोई फ्यूल यूज़ नहीं होता, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में फ्यूल बाइक मोटरसाइकिल की एग्जाम्पल ले सकते हैं, मोटर कार है। फैसिलिटी डिफ्यूजन स्कूल बस को कह सकते हैं जिसके अंदर आपको यानी दूसरों की फैसिलिटी को आप यूज़ कर दो, मतलब स्कूल की फैसिलिटी को आप यूज़ कर रहे हो। सही, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे हम सेल वॉल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे प्लांट्स का नेक्स्ट लेसन। ओके, अल्लाह हाफिज़।